जरा सोचिए, अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसकी मेमोरी का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट किसने करा है। सुन के अजीब लगा ना? आज की मूवी सोर्स कोड में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रेन देखते हैं जिसके अंदर स्टीवन नाम के आदमी की आंख खुलती है। वो उठकर कंफ्यूज होता है कि वो कहां पर है। उसके सामने क्रिस्टीना नाम की लड़की बैठी होती है जो उसे शॉन नाम से पुकारती है। स्टीवन कंफ्यूज होता है। वो देखता है कि एक आदमी कैन ओपन करता है और एक औरत की कॉफी उसके शूज पर गिर जाती है। वो काफी कंफ्यूज था। टी से उससे टिकट मांगता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो क्रिस्टीना उसके पॉकेट से टिकट निकालकर टीसी को देती है। वो स्टीवन को दोबारा शॉन नाम से पुकारती है, जिस पर वो उसे कहता है कि वो शॉन नहीं बल्कि कैप्टन कोल्टर स्टीवंस है और वो यूएस आर्मी में हेलीकॉप्टर चलाता है। उसकी बात सुनकर क्रिस्टीना हंसती है। इसके बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। स्टीवन ट्रेन के गेट पर जाता है जहाँ वो एक लड़के को देखता है जो एक आदमी को उसका वॉलेट वापस कर रहा है जो ट्रेन में गिर गया था। स्टीवन उस लड़के से पूछता है कि ये कौन सा स्टेशन है, तो बताता है ये शिकागो स्टेशन है। इसके बाद स्टीवन टॉयलेट में जाकर अपना वॉलेट चेक करता है जिसमें उसका नाम शॉन था लेकिन फेस अलग था। जब वो मिरर में खुद को देखता है तो हम देखते हैं कि मिरर में उसका फेस अलग लग रहा था। वो घबरा जाता है कि वो कहाँ है और ये शॉन कौन है। वो जब बाहर निकलता है तो क्रिस्टीना उसे समझाने की कोशिश करती है और तभी ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है और स्टीवन के साथ साथ उस ट्रेन में सभी लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन एक छोटे कैप्सूल में उठता है। स्टीवन अपने सामने एक स्क्रीन देखता है जिसमें गुडविन नाम की औरत उससे बात करती है। वो स्टीवन को उसके नाम स्टीवन से ही पुकारती है। स्टीवन उससे पूछता है कि वो कहां पर है लेकिन गुडविन उसके सवाल का जवाब नहीं देती। गुडविन उससे पूछती है कि क्या वो उसे पहचानता है लेकिन स्टीवन उसे नहीं पहचान पाता। जिसके बाद स्टीवन को कुछ कार्ड दिखाए जाते हैं और उसकी मेमोरी रिकॉल करवाई जाती है। स्टीवन को गुडविन का नाम याद आता है लेकिन वो जानना चाहता है कि वो कहां पर है। वो कहता है कि उसे याद है कि वो इससे पहले अफगानिस्तान की तरफ हेलीकॉप्टर से जा रहा था, एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी आंख ट्रेन में खुली। गुडविन उसकी इन सब बातों का जवाब नहीं देती और उससे पूछती है कि ट्रेन में बॉम्ब किसने लगाया। स्टीवन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। गुडविन उससे कहती है कि वो उसे दोबारा ट्रेन में भेजेगी और 8 मिनट में उसे पता लगाना होगा कि बॉम्ब किसने लगाया। इसके बाद स्टीवन की आंख दोबारा ट्रेन में खुलती है और दोबारा क्रिस्टीना उससे वही बातें करती है और दोबारा स्टीवन के साथ वही सब कुछ होता है। लेकिन इस बार एक चीज थोड़ी अलग होती है। जब एक और स्टीवन के शूज पर कॉफी गिराती है तो क्रिस्टीना उसे टिश्यू से साफ करती है। स्टीवन को लगता है कि ये सब फेक है। दोबारा शिकागो स्टेशन आता है जहाँ काफी लोग उतरते हैं। स्टीवन बॉम्बर की तलाश करता है लेकिन उसके पास उसका कोई सुराग नहीं था। वो बॉम्ब ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाता है जहाँ उसे वेंटिलेटर में बॉम्ब मिल जाता है और वो एक फोन से जुड़ा हुआ था। उसे उस बॉम्ब को डिफ्यूज करना नहीं आता लेकिन उसे पता है कि ये बॉम्ब फोन से डिटोनेट होगा, इसलिए वो सभी लोगों को उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे फोन और बाकी सभी चीजें डीएक्टिवेट करने के लिए बोलता है। एक आदमी जब अपना लैपटॉप ऑफ करने से मना करता है तो उसे मारता भी है। क्रिस्टीना उसे बचाने के लिए आती है और अचानक दोबारा से धमाका हो जाता है जिससे सभी लोग मर जाते हैं। स्टीवन की आंख दोबारा कैप्सूल में ओपन होती है। गुडविन उससे पूछती है कि क्या उसे बॉम्बर मिला लेकिन स्टीवन उसे कुछ भी नहीं बताता। स्टीवन उससे पूछता है कि वो आखिर है कहां। वो कहता है कि मैं कल अफगानिस्तान में था लेकिन गुडविन उसे बताती है कि वो 2 महीने से उनके साथ है। स्टीवन ने इससे पहले एक हैंडीकैप्ड आदमी को स्क्रीन पर देखा था जिससे वो बात करना चाहता था लेकिन गुडविन उसे मना करती है। वो फिलहाल के लिए उससे बताती है कि आज सुबह शिकागो की एक ट्रेन में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें काफी लोग मारे गए। शॉन नाम का आदमी भी उस ट्रेन में था और एक मशीन की हेल्प से उन्होंने स्टीवन और शॉन को कनेक्ट किया जिससे वो उसकी मेमोरी को यूज कर सके। वो उसे कहती है कि ये बॉम्बर इस धमाके के बाद और धमाके करने वाले हैं और इसे पकड़ना काफी जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि तुम उसका पता लगाओ। ये सुनने के बाद स्टीवन उसे सब कुछ बताता है जो जो भी उसने देखा। उसे दोबारा से 8 मिनट के लिए ट्रेन में भेज दिया जाता है। इस बार स्टीवन शुरू से ही अवेयर रहता है। उस औरत के कॉफी गिराने से पहले ही स्टीवन उसे संभालने के लिए कहता है। वही इस बार वो क्रिस्टीना से नॉर्मल होकर बात करता है और उसे गेम खेलने को कहता है जिसमें वो लोग सभी लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। क्रिस्टीना उसके साथ मजाक मजाक में सभी को ऑब्जर्व करती है। तभी स्टीवन देखता है कि एक आदमी डरते हुए वॉशरूम से निकलता है। वो शिकागो स्टेशन पर उतरने लगता है। स्टीवन समझ जाता है कि ये ही बॉम्बर है। वो क्रिस्टीना को ट्रेन से अपने साथ उतरने के लिए कहता है। वो दोनों ट्रेन से उतरते हैं और स्टीवन उस आदमी से बात करता है जो वॉशरूम से बाहर डरते हुए निकला था। वो आदमी कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। स्टीवन उसे धक्का मारकर उसका बैग ओपन करता है जिसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो उसे मारता है और तभी उस ट्रेन में धमाका हो जाता है। स्टीवन उस आदमी को मारता हुआ फोन मांगने लगता है जिससे बॉम्ब कनेक्टेड था लेकिन वो आदमी स्टीवन को लात मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है और ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर से वो मर जाता है। स्टीवन दोबारा से कैप्सूल के अंदर आता है और इस बार उसके सामने डॉक्टर रटलेज है। स्टीवन उसे बताता है कि उसने क्रिस्टीना को बचा लिया था। रटलेज उसे समझाता है कि ऐसा करके कुछ फायदा नहीं है क्योंकि उसने क्रिस्टीना को सोर्स कोड के अंदर बचाया था।
वो उसे समझाता है कि सोर्स कोड उसके द्वारा बनाई गई एक मशीन है। मरने के बाद भी हमारा ब्रेन कुछ समय के लिए जिंदा रहता है। रटलेज कहता है कि सोर्स कोड की हेल्प से उसने शॉन के मरने से पहले के 8 मिनट की मेमोरी को रिस्टोर करके उसे सोर्स कोड में डाल दिया और उन्होंने शॉन को इसलिए चूज किया क्योंकि स्टीवन के लिए वो परफेक्ट था क्योंकि दोनों का जेंडर बॉडी हाइट ऑलमोस्ट सेम। वो आगे बताता है कि सोर्स कोड रियलिटी नहीं है जिसमें अगर स्टीवन ने क्रिस्टीना को बचा भी लिया तो भी उसे कुछ नहीं होगा। रटलेज स्टीवन से दोबारा जाकर बॉम्बर को ढूंढने को कहता है ताकि आगे होने वाले ब्लास्ट को वो रोक पाए। स्टीवन दोबारा से ट्रेन के अंदर पहुंचता है। स्टीवन ऊपर वाले कंपार्टमेंट में जाकर सिक्योरिटी की गन चुराता है जिसके बारे में उसे रटलेज ने बताया था, लेकिन उसे गार्ड्स पकड़कर मारते हैं। क्रिस्टीना उसके पास आती है। स्टीवन तो जानता ही है कि धमाका होने वाला है। स्टीवन कहता है कि मरने से पहले मैं अपने डैड से बात करना चाहता हूँ। तभी धमाका होता है और वो दोबारा वो मर जाता है। इसके बाद स्टीवन को दोबारा ट्रेन के अंदर भेजा जाता है। इस बार स्टीवन क्रिस्टीना को कहता है कि मेरा एक दोस्त स्टीवन अफगानिस्तान एक मिशन के लिए गया था, तुम उसके बारे में इंटरनेट पर पता लगाओ। क्रिस्टीना के लिए तो वो शॉन था, तो वो उसे पता करके बता देती है कि स्टीवन का तो 2 महीने पहले ही अफगानिस्तान में मौत हो चुकी है। ये सुनकर स्टीवन हैरान रह जाता है और उसके दिमाग में लोड पड़ने लगता है जिस वजह से सोर्स कोड में ग्लिच आ जाता है और स्टीवन वापस से कैप्सूल में पहुंच जाता है। स्टीवन के मन में कई सवाल होते हैं। वो गुडविन से पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, तो वो कहती है तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा अभी भी जिंदा है और ये सब सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। फिर रटलेज उसे कहता है कि इस समय तुम्हारा काम सिर्फ बॉम्बर का पता लगाना है, तो तुम सिर्फ उसी पर ध्यान दो। स्टीवन उससे कहता है कि उसने ट्रेन से उसे कॉल किया था, लेकिन रटलेज उसे समझाता है कि वो सोर्स कोड के अंदर से उसे रियल वर्ल्ड में कांटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक पैरेलल वर्ल्ड में है जो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। उसे बार बार ट्रेन में भेजा जाता है लेकिन वो बॉम्बर को नहीं ढूंढ पाता। फिर आखिर में इस बार वो ट्रेन के अंदर बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने का डिसाइड करता है। बॉम्ब एक फोन से कनेक्टेड होता है जिस पर कॉल आते ही वो ब्लास्ट हो जाएगा। स्टीवन उसका फोन हटा देता है और उस फोन की कॉल हिस्ट्री से लास्ट नंबर डायल करता है। वो फोन एक आदमी के पास बचता है जो ट्रेन के बाहर था। स्टीवन ट्रेन से उतरता है और देखता है कि वो आदमी ट्रेन के अंदर अपना वॉलेट फेंक रहा है। स्टीवन वापस ट्रेन पर चढ़कर उसका वॉलेट देखता है जिसमें उसका नाम डेरेक फ्रॉस्ट था। ट्रेन चलने लगी थी लेकिन स्टीवन चलती ट्रेन के गेट ओपन करके उससे कूद जाता है। क्रिस्टीना ये देख लेती है और ट्रेन रुकने के लिए चिल्लाती है। वही स्टीवन गन लेकर डेरेक का पीछा करता है जो पार्किंग में खड़ी एक वैन के पास जाता है। स्टीवन उस पर गन तान कर उससे सवाल जवाब करता है जिस पर डेरेक पहले तो मना करता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो आदमी नहीं है, लेकिन बाद में वो अपनी वैन में उसे बॉम्ब दिखाता है। स्टीवन बॉम्ब देखकर हैरान हो जाता है। तभी वहां क्रिस्टीना भी आ जाती है जिससे स्टीवन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका फायदा उठाकर डायरेक्ट पहले स्टीवन को शूट करके मार देता है और फिर क्रिस्टीना को भी मार देता है। हम देखते हैं कि दोबारा ट्रेन में धमाका हो जाता है क्योंकि वो एक फोन से कनेक्टेड था। स्टीवन कैप्सूल में आकर रटलेज को इस डायरेक्ट के बारे में बताता है और इसकी वैन का नंबर बताता है। इसके बाद रियल वर्ल्ड में डेरेक को पकड़ लिया जाता है जिससे रटलेज काफी खुश होता है। उसने स्टीवन से प्रॉमिस किया कि वो बॉम्बर के मिलने के बाद उसे सुकून से मरने देंगे और इस तरह जिंदा नहीं रखेंगे। लेकिन स्टीवन दोबारा ट्रेन में जाकर सभी लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन गुडविन उसे बताती है कि अगर उसने उन सभी को बचा भी लिया तो उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो लोग मर चुके हैं। स्टीवन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे, लेकिन रटलेज के परमिशन के बिना गुडविन ऐसा नहीं कर सकती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टीवन तो गुडविन को स्क्रीन के थ्रू देख सकता था, लेकिन स्टीवन जो भी कहता है वो एक कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है। ये लोग एक तरह से सिर्फ एक प्रोग्राम से उससे बात कर रहे थे। स्टीवन के काफी रिक्वेस्ट करने पर गुडविन उसे रटलेज के परमिशन के बिना दोबारा ट्रेन पर भेज देती है। स्टीवन क्रिस्टीना से प्यार करने लगा था और उसे बचाकर वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन गुडविन उसे पहले ही बता देती है कि 8 मिनट के बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ एक मेमोरी है, इसलिए उसके पास सिर्फ 8 मिनट होंगे। स्टीवन दोबारा उस ट्रेन के अंदर आता है जहां वो सबसे पहले क्रिस्टीना को कॉफी के लिए पूछता है। क्रिस्टीना काफी खुश होती है क्योंकि वो चाहती थी कि स्टीवन उसे डेट पर ले जाए। इसके बाद स्टीवन वॉशरूम में जाकर बॉम्ब को दोनों फोन से डिस्कनेक्ट करता है और एक ऑफिसर के हैंडकफ्स चोरी करता है। डायरेक्ट जैसे ही उतरने वाला था वो उसे रोककर एक पोल में हैंडकफ्स से बांध देता है और कहता है कि उसे सब पता है कि वो क्या करने वाला है। वो उसके फोन से पुलिस को कॉल करके ट्रेन में लगे बॉम्ब के साथ साथ वैन में रखे बॉम्ब की खबर उन्हें दे देता है। स्टीवन ने लास्ट टाइम जब अपने डैड से बात की थी तो इन दोनों की लड़ाई हो गई थी और उसकी डेथ की वजह से उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। वो बड़ी हिम्मत करके अपने डैड को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि वो स्टीवन का दोस्त है। वो उन्हें कहता है कि वो उनसे काफी प्यार करता है। इसके बाद स्टीवन उस फोन से गुडविन को एक मैसेज भी करता है जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। इधर रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि गुडविन रटलेज के पास जाती है ताकि 8 मिनट होते ही वो स्टीवन का लाइफ सपोर्ट बंद कर सके, लेकिन इस बार रटलेज का असली प्लान सामने आता है। वो कहता है कि हम उसे अभी मुक्ति नहीं देंगे, हम स्टीवन के मेमोरी को क्लियर करके उसे फिर से दूसरे मिशन में यूज करेंगे, लेकिन गुडविन कहती है कि हमें उसे सुकून से मरने देना चाहिए। इस पर रटलेज उसे वहां से जाने कहता है और स्टीवन का लाइफ सपोर्ट ऑन रखने का ऑर्डर देता है, लेकिन गुडविन उसकी बात नहीं सुनती और खुद को उस रूम में लॉक करती है जिसमें स्टीवन की बॉडी रखी हुई थी। गुडविन सोर्स कोड की मशीन
ओपन करती है जिसमें स्टीवन की आधी कटी हुई बॉडी रखी थी जिसमें अब भी हरकत हो रही थी। रटलेज को जब पता चलता है कि गुडविन स्टीवन के लाइफ सपोर्ट को बंद करने वाली है तो वो काफी गुस्सा होता है और उस रूम को खोलने की कोशिश करता है। इधर स्टीवन को पता है कि 8 मिनट बाद वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो ट्रेन के सभी लोगों को एंटरटेन करवाने की कोशिश करता है और एक आखिरी बार क्रिस्टीना को किस करता है। 8 मिनट बाद गुडविन बटन प्रेस करके लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देती है जिससे स्टीवन की वर्ल्ड रुक जाती है। स्टीवन रियलाइज करता है कि 8 मिनट बीत जाने के बाद भी टाइम रुका ही नहीं है और वो काफी खुश होता है। स्टीवन और क्रिस्टीना एक साथ इस पैरेलल वर्ल्ड में घूमते हैं जो कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह ही चलती है। यहाँ पे ये पता चलता है कि उस सोर्स कोड के जरिए स्टीवन किसी मेमोरी में नहीं बल्कि हर बार एक पैरेलल यूनिवर्स में जा रहा था और यही वजह थी कि वहां लोग तो हमेशा वही होते हैं लेकिन सिचुएशंस कभी कभी थोड़ी अलग होती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि जिस पैरेलल वर्ल्ड में स्टीवन था उसी पैरेलल वर्ल्ड में गुडविन को एक मैसेज रिसीव होता है। ये असल में वही मैसेज था जो स्टीवन ने ट्रेन में उसे किया था। उसे पढ़कर गुडविन काफी हैरान रहती है क्योंकि उसमें लिखा था, बहुत जल्द तुम्हें एक बॉम्ब का डिफ्यूज होने की खबर मिलेगी क्योंकि इस बॉम्ब को लगाने वाला पकड़ा जाएगा और उसका नाम डेरेक होगा और ये सब इसलिए होगा क्योंकि मैंने और तुमने मिलकर इसे अंजाम दिया। स्टीवन आगे लिखता है, अगर उसे ये ईमेल मिल गया है तो इसका मतलब है कि जितना उन्होंने सोचा था सोर्स कोड उससे काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। वो कहता है कि तुम लोगों को लग रहा था कि तुम लोग मेमोरी के सिर्फ 8 मिनट को यूज कर सकते हो लेकिन तुम्हें नहीं पता कि सोर्स कोड असल में एक न्यू वर्ल्ड है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी और इस तरह की बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।